हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे। स्कॉलरशिप में NPCI की प्रॉब्लम चल रही है, वो देखेंगे कैसे होगा। मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। आप देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, 11:05 हो रहे हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। एक फ़ोन मेरे पास रखा हुआ है और वो लगभग 10-15 दिन हो गए हैं, उसकी NPCI नहीं हो रही है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में आ रहा हूँ और उसके बाद मैं अपनी स्कॉलरशिप सर्च कर लेता हूँ। मैं वेबसाइट पर जाना है, ठीक है? इसको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इस पेज पे आ सकते हो, ठीक है? इसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। जिसको पता नहीं है मेरी वीडियो देख लो। अब आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है और फ्रेश पे क्लिक करना है। जो फ्रेश होगा, रिन्यूअल होगा। रिन्यूअल तो सब फॉर्म कम्प्लीट हो रहा है पर फ्रेश नहीं हो रहा है। फ्रेश में कुछ सर्वर इशू चल रहा है और वो BA का है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके बाद मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद आपको पासवर्ड और कैप्चर फिल करके सबमिट करना है। जैसे मैं कर लेता हूँ सबमिट, देख सकते हो लाइव खुल गया, ठीक है? अब आप इसमें देख सकते हो NPCI की प्रॉब्लम है। मैं आपको जूम भी करके दिखाता हूँ और निशान भी लगा रहा हूँ, ठीक है? आप देख सकते हो इस फार्म में NPCI की प्रॉब्लम है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो ये ऑप्शन आता है। जैसे इस पर क्लिक करते हो, कितनी बार ही आप क्लिक कर लो पर ये नहीं हो रही है। फिर भी मैं आज आपको लाइव बता रहा हूँ। आप देख सकते हो, टाइम भी देख सकते हो वीडियो।